साथियों, वर्ष 2014 में और उसके पहले देश में स्थिति ये थी कि जो बढ़ना चाहिए था वो घट रहा था और जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे महंगाई का ही उदाहरण लीजिए, हम सबको पता है कि महंगाई दर नियंत्रण में रहनी चाहिए, लेकिन असलियत क्या थी? पिछली सरकार में जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे, यानी जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोल रही थी। आप सभी को, विशेषकर न्यूज रूम के प्रोड्यूसर्स को याद होगा कि महंगाई डायन खाए जात है आपको कितने बार अपने सोच में चलाना पड़ा था। साथियों, आपने तब खूब रिपोर्ट किया था कि महंगाई दर 10% का आंकड़ा भी पार कर गई थी, लेकिन आज हमारी सरकार में महंगाई दर गिर करके 2 से 4% के आसपास रह गई है। ये फर्क तब आता है जब राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, यही स्थिति इनकम टैक्स को लेकर के थी। मिडिल क्लास छूट के लिए निरंतर आवाज देता रहता था, लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की सीमा पहले 2.5 लाख रुपए तक, अब पहले की सरकार और अब की सरकार, पहले की प्राथमिकता और अब की प्राथमिकता का फर्क और स्पष्टता से समझ पाएंगे। आपको पता होगा कि अटल जी की सरकार ने वर्ष 2004 में यूपीए को 1% विकास दर वाली अर्थव्यवस्था सौंपी थी। जब अटल जी गए तब 1% ग्रोथ के साथ सुपुर्द करके गए थे। आज एक बार फिर जीडीपी ग्रोथ रेट को हमारी सरकार ने 7 से 8% के बीच पहुंचा दिया है, और मैंने तो देखा कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में 21वीं सदी की इतनी बातें हुई, इतनी ढोल पीटे गए थे। और मैंने एक बार एक कार्टून देखा था, किस अखबार का था वो तो याद नहीं रहा। आज एक बार फिर सरकार के दृढ़ निश्चय और 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम के बल पर भारत फ्रेजाइल 5 से निकल करके फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया। साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी पिछली सरकार ने जाते जाते देश का नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये कांग्रेसी संस्कृति का ही परिणाम था कि साल 2011 से के 132वें नंबर से फिसलकर भारत की रैंकिंग 2014 में 142 तक चली गई, यानी 132 से 142 चली गई। आप सोचिए कि उस समय देश में बिजनेस का कैसा वातावरण बिना दिया गया था। इस रैंकिंग में सुधार करके देश को 77वें स्थान पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। साथियों, पिछली सरकार के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सीएजी हो, मीडिया हो, हर जगह सरकारी भ्रष्टाचार की फाइलें खुल रही थी।
आज स्थिति ये है कि राजनीतिक विरोध के लिए विपक्ष के हमारे साथ छद्म तरीके से कोर्ट जाते हैं और वहां से उनको फटकार लगती है और सरकार को एप्रिसिएशन मिल रहा है। सरकारी संस्कारों में ये सार्थक बदलाव बीते हमारी सरकार के दौरान आया है।